हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ दोस्त की पोशाक से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 40। जी हाँ, 40 यानी कि 40। तो चलिए देखते हैं हमें इस क्रियाकलाप में करना क्या है। कौन है, कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। कैसी अचकन निकाल कर लाए? भड़कीली अचकन। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। जैसे कि मैंने पूछा, कैसी अचकन? भड़कीली अचकन। कोई विशेष बात बता रहा है भड़कीली शब्द अचकन के बारे में, है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। भड़कीली अचकन की विशेषता बता रहा है। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। एक और शब्द इन्होंने दिया हुआ है जो कि है पुराना दोस्त। कैसा दोस्त? पुराना दोस्त। यहाँ पर भी जो पुराना शब्द है वो हमें दोस्त की विशेषता बता रहा है। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। भड़कीली, पुराना। भड़कीली हमें किसकी विशेषता बता रही है? भड़कीली हमें अचकन की विशेषता बता रही है। उसी प्रकार पुराना हमें दोस्त की विशेषता बता रहा है। कैसा दोस्त? पुराना दोस्त। कैसी अचकन? भड़कीली अचकन। तो यह दोनों शब्द विशेषण कहलाते हैं क्योंकि यह किसी की विशेष बात या विशेषता बता रहे हैं। अब हमें ऐसे ही कुछ शब्द हमें अपनी कहानी में से ढूंढने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ना कहानी। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो यहाँ पर पहला विशेषण जो हमें मिला है वह है पुराना दोस्त, लेकिन वह लिखा हुआ है तो इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कैसी पोशाक में? मामूली सी पोशाक में। तो यहाँ पर मामूली शब्द पोशाक की विशेषता बता रहा है। मामूली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पोशाक की। तो इसीलिए यह हुआ विशेषण, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, मामूली पोशाक। कैसी पोशाक? मामूली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं लोगों से नहीं मिल सकता, नसीरुद्दीन ने कहा। बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। यहाँ पर हमें एक और विशेषण मिला जो कि था भड़कीली अचकन। जी हाँ, भड़कीली अचकन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि भड़कीली शब्द अचकन की विशेषता बता रहा है, तो इसे भी लिख लेते हैं, भड़कीली अचकन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं कहानी में। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। जी हाँ, मिला आपको एक और विशेषण यहाँ पर,
कहाँ पे था बताइए बताइए। जी हाँ, ये रहा खास दोस्त। कैसा दोस्त? खास दोस्त। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा शब्द है विशेषण? खास शब्द विशेषण है, क्योंकि यह दोस्त की विशेषता बता रहा है। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, खास दोस्त। उसके बाद यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो यहाँ पर भी हमें दो विशेषण मिले हैं। जो पहला है वह है कैसी अकल। यहाँ कैसी अकल की विशेषता बता रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया तुम्हारी कैसी अकल। तो यहाँ पे पूरा तुम्हारी कैसी अकल में तुम्हारी कैसी अकल की विशेषता बता रही है। उसके बाद जो हमें मिला है वह है अपने कपड़े। किसके कपड़े? अपने कपड़े। यह था यहाँ पर अपने कपड़े। जी हाँ, यहाँ पर अपने कपड़ों की विशेषता बता रहे हैं। तो यह है पांच विशेषण शब्द जो मैंने इस कहानी में से ढूंढे हैं। अब जो आखिर के तीन बचे हैं ना, तो वह आपको बची हुई कहानी में से खुद ढूंढने हैं। ठीक है, निकालिएगा सारे विशेषण शब्द और मुझे भी बताइएगा कि कौन से ढूंढने हमने। चलिए मिलते हैं अगली बार।